नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों विधानसभा में एडीआर के रिपोर्ट का हवाला देते हुए नीतीश कैबिनेट के 64% से अधिक मंत्रियों को दागी बताया था। बिहार की सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। इस बीच भाजपा सांसद सुशील सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। सुशील सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार दागी है, फिर भी वह दूसरे पर दागदार होने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एडीआर के रिपोर्ट का हवाला देकर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों को दागी करार देते हैं, जबकि खुद के तेजस्वी यादव दर्जनों मामलों में आरोपी थे और कई मामलों में जमानत पर है। सुशील सिंह ने कहा कि उनके पिता से लेकर परिवार के कई सदस्यों पर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, फिर भी वो दूसरों को दागी बताते हैं। पहले तेजस्वी जी से पूछिए कि उनके ऊपर कोई दाग है कि नहीं। यदि तेजस्वी जी के ऊपर कोई दाग न हो, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, और जब वो नाबालिग थे, जब वो बच्चे थे, तभी उनके नाम करोड़ों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई। तो शीशे के घर में पत्थर वो मारे जिसका घर शीशा का ना हो, या पहला पत्थर वो चलाए जिसने कोई पाप ना किया हो। तो पहले तेजस्वी जी से ही ये सवाल किया जाना चाहिए कि उनके पिताजी या उनकी माताजी के मंत्रिमंडल में, उनकी पार्टी में, और स्वयं उनके ऊपर कोई दाग है या कि नहीं। भाजपा सांसद सुशील सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को दूसरे के चरित्र पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रंजन कुमार, टुडे बिहार न्यूज, रोहतास।